हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर भारती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। तो पहले देख लीजिए क्या है पॉलीसिस्टिक ओवरी, देन क्या है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और इसके बाद आप इसे जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पॉली, जहाँ पॉली वर्ड यूज़ होता है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब बहुत सारे। तो ओवरी में जहाँ आपको बहुत सारे सिस्ट देखने के लिए मिलते हैं, उसे ही पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। और जब इस सिस्ट की वजह से बॉडी में अगर कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे ही हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ कहते हैं। जनरली ये 15 साल से 35 साल की फीमेल्स में अब देखने के लिए मिलता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से या बिल्कुल नॉलेज ना होने की वजह से। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि फीमेल्स में क्या होता है, दो टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, और बहुत ही कम अमाउंट में एंड्रोजन मतलब कि मेल हॉर्मोन पाया जाता है। ये जो हॉर्मोन होते हैं, ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, इसमें मेंसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या होता है दोस्तों, ओवरी हर मंथ एक प्रोड्यूस करती है, वो एक जब मिच्योर होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आता है, और उसके बाद अगर वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हर मंथ कुछ ब्लड के साथ में वो एक बॉडी के बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हार्मोनल इम्बेलेंसी की वजह से दोस्तों वो एक मिच्योर नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ में जो ओवरी की एग बनाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ओवरी बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एग प्रोड्यूस करने लगती है। अब क्योंकि वो मिच्योर नहीं हो पा रहा है, तो वो वही एक आउटर लेयर के साथ में वो वहीं रह जाता है, और वही चीज़ उसी को हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब एग्स मिच्योर नहीं हो पा रहा, ओवरी में नहीं आ रहा, पीरियड्स नहीं आ रहे, हम जब उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा ओवरी में मतलब यूएसजी में छोटे 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 सिस्ट देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद में जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद इसके कॉज क्या क्या है, सो इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर आज तक कॉज पता नहीं चला है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में या आपके मदर को, आपकी दादी को, आपकी फैमिली में अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आप में होने के चांसेस कम से कम 90% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अब बोल सकते हैं कुछ ऐसे कॉज की जिसकी वजह से ये हो भी सकता है, वो है आपका सेडेंटरी लाइफ जीना, मतलब कि आराम पसंद ज़िंदगी जीना, एक्सरसाइज नहीं करना, मतलब बॉडी को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, डब्बा बंद फूड अगर हो, कुरकुरे चिप्स अगर आप लेते हो, ऑयली फूड हो गया, बहुत ही मसाले वाला खाना हो गया ये। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। ये कुछ ऐसे कॉज है जिसकी वजह से आपको पीसीओडी देखने के लिए आपको मिल सकता है, मतलब कि क्या क्या सिम्टम्स पीसीओडी की वजह से आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स मैं बोलूँगी वो है इरेगुलर पीरियड्स। आपको शुरू में ही बताया कि इरेगुलर पीरियड्स का इसमें प्रॉब्लम होता है करके, तो इरेगुलर पीरियड्स इसमें देखने को मिलता है। कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें 6 मंथ इवन 1-1 साल तक पीरियड्स नहीं आया है। अगर आपको पीरियड हो रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में पिंपल्स, पिंपल्स इसमें एक बहुत बड़ा सिम्टम्स मिलता है देखने के लिए हमें। ऑयली फेस इसमें देखने के लिए मिलेगा। एक और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें सिम्टम्स है, जो कि है अनवांटेड हेयर ग्रोथ, मतलब कि अनचाहे बाल, और वो बाल एक मोटी क्वालिटी के बाल इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि चिन पर, अपर लिप पर, चेस्ट एरिया पर, थाइस पर, पेट पर, ये मोटी क्वालिटी के बाल देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों इनफर्टिलिटी, मतलब जिसे हम बांझपन भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा इसमें एग्स जो अंडा होता है वो पक नहीं पाता, तो
तो जब अंडा नहीं पक पाएगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ना के बराबर ही हैं इसमें। उसके बाद वेट गेन, इसमें वेट गेन जो है एक बहुत ही एक अच्छा सिम्टम्स है। जनरली क्या होता है, मेरे साथ ये हुआ है, स्ट्रेस की वजह से दोस्तों मेरा वेट गेन हुआ। जब मैंने वेट लूज़ किया, मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो एक बहुत अच्छा इसमें रिलेशन है कि वेट गेन हो रहा है तो पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो वेट गेन हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और शुगर बॉडी में बढ़ जाना, तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसकी जो आपको पीसीओडी में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो आप डब्बा बंद चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, डब्बा बंद ना खाएं। चिप्स कुरकुरे अगर आप ये लेते हैं तो आप बिल्कुल इसे लेना बंद कर दीजिए। ऑयली फूड इसमें अवॉइड करें, आलू चावल ना खाएं, अगर खाते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में खाएं। पानी दोस्तों सबसे ज़्यादा पिए। पानी एक ऐसा है कि आपको वेट लूज़ करने में भी आपकी ये बहुत मदद करेगा, आपको दिन भर फ्रेश रखेगा। और इसकी मतलब ज़्यादा पानी, अच्छी क्वांटिटी में पानी पीने से क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। जैसे आप एक्सरसाइज अगर मॉर्निंग में आप करते हैं तो आप एक पूरे दिन आप एक एनर्जी फील करते हैं। अगर आप एनर्जी फील करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो आप टेंशन से दूर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है टेंशन वाला पीसीओडी में। तो आप एक्सरसाइज जाओ है, और कुछ मैंने जो पर्सनली किए हैं जो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि जो पुदीना की जो पत्तियाँ होती है, पुदीने की 7-8 पत्ती आप लीजिए, उसे एक ग्लास पानी में मतलब एक उसमें डाल करके, एक पतीली में डाल करके उसमें उसको आप उबालिए, इतना उबालिए कि वो 1 कप रह जाए। उसको छान करके आप पी लीजिए। मैंने आपको बताया कि एंड्रोजन का लेवल इसमें बढ़ जाता है, तो ये पुदीने की पत्ती आपको आपके एंड्रोजन लेवल को डिक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद में मेथी के दाने, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेथी के दाने आप एक एक चम्मच आप मेथी के दाने रात को भिगो दीजिए, या आप इसे खाना खाने के अगले दिन आप उसका पानी छान लीजिए, और अगले दिन आप इसको खाना खाने या सुबह के खाने खाना खाने के पहले या शाम को खाना खाने के पहले आप इसे खा लीजिए। ये आपका वेट लूज़ करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो ये दो घरेलू उपाय हैं मेरी तरफ से, आप देख लीजिए जिसे मैंने पर्सनली मैंने यूज़ किया है और मेरा वेट लूज़ किया है उसके लिए। देन हम अब आप कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए जो कि मैंने की। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले दोस्तों है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हर एक बीमारी के लिए एकदम बोल सकते हैं रामबाण उपाय आप बोल सकते हैं, सूर्य नमस्कार आप कीजिए। उसके बाद में है शलभासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, भुजंगासन हो गया। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिनकी फ़ोटोज़ या पिक मैं इधर इधर कहीं अपलोड कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा आसन करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं दोस्तों जो कि जल्दी से जल्दी आपको पीसीओडी से बाहर निकलने में मैं बोल सकती हूँ कि आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद में दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, ये देख लीजिए। तो सबसे पहला पहले एपिस मेलिफिका, एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में आप दिन में तीन बार इसे लीजिए। इसके साथ में है पल्सेटिला 30, एपिस मेलिफिका दिन में 3 बार, ये सारे आपको 3 महीने तक करना है, ठीक है। और पल्सेटिला दिन में 2 बार सुबह शाम आप लीजिए। इसके बाद दो मदर टिंचर है, एक है अशोका, जे अशोका, और एक है ओफोरिनम 6 CH। इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी आप एक बॉटल में ले लीजिए और उसकी 20-20 बूंदें आप सुबह शाम लीजिए। इनको आपको कम से कम 3 महीने तक करना है दोस्तों, आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा।